सो गाइस हमारे सभी व्यूअर्स का सबसे बड़ा सवाल दिनेश बाना के ऊपर वीडियो। हाँ गाइस, दिनेश बाना को लेके काफी ज्यादा चर्चित ये एक तरीके का टॉपिक रहने वाला है और इस पे काफी ज्यादा लोग हमारे कमेंट पे लगातार कमेंट करते हैं, भाई दिनेश बाना पे वीडियो बनाइए, दिनेश बाना आखिर क्या चेन्नई ने टारगेट करने वाली है, क्या चेन्नई की टीम में आने वाले हैं, क्या चीजें रहने वाली है, पूरे डिटेल के साथ बताइए। तो जानने के लिए तैयार जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि गाइस इस चैनल पे आपके ही रिलेटेड वीडियो आती रहती है, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं दिनेश बाना को लेकर। हाँ गाइस, सबसे पहले ये तो हम लोग बाद में देखेंगे कि नीलामी में क्या चेन्नई जाने वाली कि नहीं जाने वाली है, लेकिन आखिर दिनेश बाना है कौन। सो गाइस दिनेश बाना 17 साल के यंग खिलाड़ी है और इस बार जो कि अंडर-19 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें टीम इंडिया के स्टार थे। हाँ गाइस, टीम इंडिया के काफी बेहतरीन स्टार थे क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल में 2 छक्के लगातार जड़ के, वो भी लंबे चौड़े छक्के जड़ के टीम इंडिया को ये इन्होंने पूरी वर्ल्ड कप जिता दिया था, अंडर-19 का वर्ल्ड कप जिता दिया था। और एक तरीके से जो उनका शॉट था वो 2011 के धोनी वाले शॉट, जो कि धोनी ने शॉट मार के छक्का जिताया था, उस शॉट से काफी ज्यादा यहाँ पे एक तरीके से मैटर कर रहा था और इस चीज से काफी ज्यादा लोग खुश हुए थे कि अगला MS धोनी फाइनली लौट आया है। सो गाइस हम लोग फाइनली बात करने वाले हैं ये चीजें, तो मैंने आपको समरी टाइप में बता दिया कि आखिर दिनेश बाना है कौन, हरियाणा के ये खिलाड़ी हैं, लेकिन क्या अब ये नीलामी में आने वाले हैं कि नहीं आने वाले हैं। लेकिन पिछले बार ही जब ये स्टार बन गए थे तो पिछले बार के नीलामी में क्यों नहीं आए थे। सो गाइस पिछले नीलामी की अगर हम लोग बात करें तो दिनेश बाना अपना नाम चाह कर भी नहीं दे सकते थे, क्योंकि एक तरीके से क्राइटेरिया होता है नीलामी का, ऑप्शन का एक तरीके से क्राइटेरिया होता है कि अगर आपको नीलामी में अपना नाम देना है तो कम से कम आपको एक डोमेस्टिक मुकाबले खेले रहने चाहिए। लेकिन दिनेश बाना ने कोई भी डोमेस्टिक मुकाबला नहीं खेला था, ये डायरेक्ट एक तरीके से अंडर-19 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में इनका चयन हुआ था और एंड में आते आते इन्हें टीम इंडिया की तरफ से मौका मिला, ये फिनिशर बन गए और टीम इंडिया को इन्होंने वर्ल्ड कप जिता दिया। सो गाइस अगर दिनेश बाना की हम लोग बात करें तो ये भी एक विकेट कीपर बैट्समैन है और इनके जो आइडल हैं वो MS धोनी है और इनके जो शॉट्स हैं वो MS धोनी से काफी ज्यादा मैच करते हैं, यानी कि ये जो चौके छक्के जड़ते हैं ये MS धोनी से ही रिलेटेड रहता है। आप अगर इनकी बैटिंग देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक तरीके से MS धोनी ही बल्लेबाजी कर रहे हैं और विकेट कीपिंग में भी उनकी काफी ज्यादा छाप देखने को मिलती है। और गाइस अगर हम लोग बात करें तो इस खिलाड़ी के अंदर काफी ज्यादा एग्रेसिव खिलाड़ी, यानी कि इस खिलाड़ी अगर ये बैटिंग करने आते हैं तो ये काफी ज्यादा चौके छक्कों में बिलीव करते हैं, विकेट कीपिंग तो आप ये करते ही MS धोनी की तरह। और इन सभी खूबी को देखते हुए सभी लोग हमसे पूछ रहे थे क्या दिनेश बाना के पीछे चेन्नई जाने वाली है। सो गाइस एक तरीके से मैं आपको एक हिंट देता हूं कि जाने वाली कि नहीं जाने वाली, इस पे आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। सो गाइस दिनेश बाना की अगर बात किया जाए तो इस बार जो IPL 2022 हुआ था वहां पे कैंप का हिस्सा थे चेन्नई के। हाँ गाइस दिनेश बाना को स्पेशली कैंप में, चेन्नई के कैंप में बुलाया गया था और इनको खास ये जो ट्रेनिंग कर रहे थे जो इन पे नजर थी वो MS धोनी की थी। अब इतनी सारी चीजें हो गई, अब आप इजिली बता सकते हैं कि क्या चेन्नई टारगेट करने वाली है कि नहीं करने वाली। जब खिलाड़ी को कैंप में बुला लिया चेन्नई तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको कंफर्म हो गया है कि चेन्नई पे 101% कंफर्म है कि बोली लगाती हुई नजर आने वाली है। सो गाइस अगर यहाँ पे चेन्नई ने अपनी टीम में शामिल कर लेती है तो क्या फायदे होने वाले हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस चेन्नई को सबसे बड़ा चीज यहाँ पे फायदा प्लस पॉइंट ये होने वाला है कि इन्हें एक अग्रेसिव बैट्समैन मिल जाने वाला है, एक फिनिशर मिल जाने वाला है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक तरीके से अग्रेसिव फिनिशर है, ये मैंने आपको पहले बताया कि चेन्नई को जरूरत रहने वाली है एक और एक्स्ट्रा फिनिशर की, और दिनेश बाना अगर चेन्नई की टीम में शामिल हो जाते हैं तो ये जो एक्स्ट्रा फिनिशर वाला जो कोटा है वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये एक इंडियन खिलाड़ी है, काफी यंग खिलाड़ी है और आगे चलते चलते ये काफी ज्यादा अपना नाम बनाने वाले हैं और ऐसा हो सकता है कि चेन्नई को अगले 10 से लेकर 15 साल तक सर्व कर सकते हैं जैसे MS धोनी ने किया था। और गाइस फाइनली हम बात करें दूसरे चीज के बारे में तो ये अग्रेसिव बैट्समैन है, अगर यहाँ पे चेन्नई की टीम में आते हैं तो ये अपने बल्लेबाजी से काफी ज्यादा रंग यहाँ पे चढ़ा देंगे, यहाँ पे चेन्नई को काफी ज्यादा मुकाबले जिता सकते हैं। उसके बाद फाइनली बात की जाए फिनिशर है, हाँ गाइस ये एक तरीके से फिनिशर का काम अच्छी तरीके से रोल अदा करते हैं, ये काफी अच्छी फिनिशिंग करते हैं। उसके बाद फ्यूचर स्टार तो ये है ही जो मैं आपको बता चुका हूँ। सो गाइस इन सभी चीजों को देखते हुए चेन्नई इनके पीछे जाने वाली है, तो आखिर इनकी प्राइस क्या रहने वाली है, आखिर दिनेश बाना की प्राइस क्या रहने वाली नीलामी में। सो गाइस ये जो अपना नाम देने वाले हैं इनकी जो प्राइस रहने वाली है बेस प्राइस 20 लाख रुपए रहने वाली है, तो कंफर्म है क्योंकि ये इंटरनेशनल मुकाबला नहीं खेले तो ये ऑटोमेटिकली अपना प्राइस बढ़ा नहीं सकते।
और ये ज्यादा से ज्यादा 1 से लेकर 1.5 करोड़ तक जाने वाले हैं। और चेन्नई इतने पैसे लगा देती है तो ऑटोमेटिकली इन्हें अपनी टीम में शामिल कर लेगी। और चेन्नई के पास पहले ही से अभी भी पर्स वैल्यू में 3 करोड़ रुपए बचे हुए हैं, तो ये आसानी से दिनेश बाना को अपनी टीम में शामिल कर लेंगे। और एक तरीके से आप लिखित प्रमाण हो चुका है कि दिनेश बाना एक खिलाड़ी है जो कि चेन्नई की टीम में जल्दी शामिल होता हुआ नजर आने वाला है और ये फ्यूचर स्टार बनने वाला है। और आईपीएल में चेन्नई ने अपने कैंप में बुलाया था तो इन्हें अच्छी तरीके से परख लिया है। तो गाइस इस तरीके का सब चीजें थी जो कि दिनेश बाना को लेकर आई थी। मैंने आपके सभी डाउट का मैंने क्लियरेंस कर दिया है और दिनेश बाना के पीछे चेन्नई कन्फर्म है कि जाने वाली है और चेन्नई की टीम में ये शामिल होते हुए नजर आने वाले हैं। तो गाइस ये थी वो सभी न्यूज जो कि निकल के आई थी। और गाइस दिनेश बाना से रिलेटेड जितनी सभी खबरें रहेंगी वो मैं कवर करता रहूंगा, लेकिन फिलहाल में ये पार्ट 1 वीडियो अभी तक यही तक की थी। तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपके पास अभी भी कोई डाउट होगा तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो एंड करते हैं, अब आपको मिलेंगे हम अगले एनालिसिस के साथ।